आगे जो ना पास अरे पार कहाँ देता है इनसे पहले बैठेगा अकेला बैठेगा तुम अकेला बैठा था चार आदमी बैठा था चार आदमी बैठे हुए तो सो है गाइस वेलकम बैक टू आवर माय चैनल समय एंटरटेनमेंट शो। सो गाइस तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठ के क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ट्रेन थी पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कि बंडेल से 4 बजे खुलती है। तो हम लोग सोचे कि 4 बजे ट्रेन खुलने वाली है तो क्यों ना कुछ ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो हम लोग बड़ी काफ़ी अच्छे से रेडी सडी होकर खाना पीना खाकर और गए थे विक्टोरिया मेमोरियल ब्लॉग शूट करने। तो वहीं पर शूट करते करते हम लोग का बज गया 5-6 तो ट्रेन यहाँ से खुल गई। तो उसमें का हम लोग का टिकट था काफ़ी अच्छा 3 टायर में का इनके अंकल काट उठ के रखे थे। लेकिन भाई साहब हम लोग को जाना भी है आज क्योंकि भाई को जॉब है और जॉब ऊपर से प्रेशर भी मिलता है। तो हम लोग सोचे कि क्या करें क्या करें, तो फिर हम लोग को याद आया कि काठ गोदाम जो कि हावड़ा से 9:45 में खुलती है और बंडेल में वही 11 बजे समथिंग आ जाती है। तो फिर इनके छोटे वाले जो अंकल थे उन्होंने 2 टिकट लिया हम दोनों के लिए और वो ऐसे तो मतलब स्लीपर वगैरह का तो मिलता नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि जनरल का टिकट ले लिए। तो हम लोग जैसे उधर से जनरल से आए थे उसी तरह इधर से जनरल से जाएंगे। हमारे किस्मत में जो है ना लेट लिखा हुआ। आप मेरे ब्लॉग में अगर कंटिन्यू अगर व्यूवर्स हैं तो आप देखते होंगे कि अगर हम कहीं भी स्टेशन पर जाते हैं तो कभी मोबाइल फोड़ लेते हैं कहीं गिर जाते हैं या फिर लेट ही होता है, मतलब हमारा लेट ही रहता है। पता नहीं कि मेरे किस्मत में लिखा है या फिर मेरा ही मतलब ये कंडीशन है वो हमको नहीं पता। सो गाइस तो अभी हम लोग का ट्रेन आया नहीं है और अभी अभी टाइम हो चुका है 10:06 और 1 घंटा बाद राइट ट्रेन वो पीछे वाले स्टेशन पे लग जाएगा वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज वगैरह करके और डायरेक्ट देखते हैं आता है और सीट वगैरह मिलता है कि नहीं, आगे का कंडीशन शेयर करेंगे। सो गाइस बट मतलब आप ही लोग के लिए विक्टोरिया मेमोरियल का ब्लॉग बनाने गए थे जो कि आपको इस ब्लॉग से पहले आप लोग देख लेंगे और जब ये ब्लॉग आप लोग के पास जाएगा ये वाला तो आई थिंक वो ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे, इसी के कारण हम लोग का लेट हो गया था। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग टाइम पे स्टेशन पहुँचे हो, तो क्या ही कर सकते हैं, खैर टाइम की बात है। सो गाइस तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं ट्रेन आती है 1 घंटे बाद, उसके बाद हम लोग बैठते हैं जनरल बोगी में। मिडिल क्लास का भाई मतलब वो मैनेज रहता है जनरल बोगी, अगर कहीं से ना मिले तो जनरल में हम लोग सफ़र कर सकते हैं, इतना है हम लोग में उन्हें। सो गाइस चलिए ले से स्टार्ट, ब्लॉग में बने रहिए और रात भर का आज मतलब इस बार जो है ना रात का जनरल बोगी का सीन दिखाएंगे आपको। मतलब फर्स्ट टाइम जब इससे पहले वाले में हम लोग आए जब बिहार से कोलकाता आ रहे थे तो उस टाइम हम लोग जनरल बोगी का फुल ब्लॉग नहीं बना पाए, मतलब वहाँ पे खूब सारा मस्ती होता है, खूब सारा मस्ती होता है वहाँ पे, कोई किसी को गाली भी दे देता है, किसी से मारपीट हुई जाता है, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कवर करूँगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस तो फाइनली इसी के साथ हम आ चुके हैं जनरल बोगी के अंदर, इधर हमारे प्रेज भाई और लुक देख लो भाई आप, इधर देख लो, मैंने बोला था ना कि मारपीट होता है, देख लो ए भाई घस को ना बैठ, ए भाई पल क्या तोरो अरे भाई तू इधर घस को तुम और चल चल दादा ईशान चल भी भाई साहब बहुत हार्ड वाला सीन, यही सीन देखिए 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 ट्रेन खुल चुका है, सामान छोल भी ट्रेन छोल भी सामान रखो इसके नीचे उतरो भाई साहब, हम लोग इसमें फंस चुके हैं, ब्रेक टांग ना उधर, ब्रेक टांग ना किसी में। और फाइनली गाइस सीट तो मिला नहीं और ट्रेन पे मतलब टाइम पे ट्रेन खुल चुकी है और यहाँ से बैठे तो और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का क्राउड पूरा भरा हुआ है, उसको अपने बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं कचा कच भरल भाई बा, जो कि आप देख सकते हैं। सो गाइस तो फाइनली ये फिरोज भाई का बैग और ये हमारा और इधर फिरोज भाई, कैसा महसूस हो रहा है दोस्त? काफी अच्छा, मजा आ रहा है, रात भर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस टिकट लेके गलती करी है
हम लोग टिकट लेके जनरल का गलती कर दिया ऐसा लग रहा है, ताकि सीट तो मिला नहीं। खैर सीट मिलता भी नहीं है अक्सर जनरल में, बट अभी रात भर में बहुत सारा हंगामा होगा। इस बार जो है ना जनरल बोगी का सारा हंगामा फुल मतलब मस्ती के साथ में आपको दोनों आदमी दिखा देंगे। देख रहे हैं किस तरह से ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है मस्ती। अभी आप देखते जाओ, कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे किसी का मुंह भी फोड़ फाड़ देते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए दिखाते हम लोग का बैग शिफ्ट हो गया। हम लोग शिफ्ट नहीं है, खड़े खड़े चले जाएंगे, ताकि हम लोग का ज़्यादा नहीं 6-7 घंटे का रास्ता, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। मगर बहुत लोग तो मारपीट करने लगते हैं, जो देखिए क्या होता है। अरे पैर कहाँ दिखता है? पीछे आ जा, पीछे हो। अरे काय के लिए बोला लिया हुआ था? आगे जाओ, बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। चप रहे थे वो, यही चीज आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं की तैयारी। इतना हार्ड कलाकारी अगर कहीं का माना जाए तो ये ठीक बता सकते हैं, बिहार का ही हो सकता है। इतना हार्ड कलाकारी अगर कहीं का हो तो भाई साहब बिहार का ही हो सकता है। और एक बात मैं आपको बताते चलूं कि हम दोनों को 10, 10:30, 11 बजे सोने का आदत है, और इनका आंख लाल भी हो जाता है। लग रहा है भाई साहब कोई कांड करके आए हुए। जुगाड़ इसी को कहते हैं भाई, बिहारी जुगाड़। बैग रखो वहाँ, कैसे लगाएगा? उधर महायुद्ध चल रहा है, महायुद्ध। क्या कर लेगा समस्तीपुर में? समस्तीपुर में उतर जाएंगे, क्या बोल रहे हर बाग गाच रहा है, समस्तीपुर में उतर जाएगी।
हाँ तो ठीक है उतारते हैं। गर्दा चुरा दे भाई तू। दो चार भी आदमी तुम जाओगे कोई नहीं। दो चार बात नहीं है। हम चाहते हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं। जाओ जगह ना। तो सुपर जगह है कि ना? सो हे गाइस, तो फाइनली इसी के साथ हम उतर चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे और हमारा जनरल बोगी का सफर हुआ खत्म। हम आ चुके हैं अपने दुनिया अपने शहर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी। सो लव यू गाइस, बाय बाय।